अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फवाद अमर, आई एम एड्रेस कंसल्टेंट कराची। अच्छा, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे आप अपने होलसेल बिजनेस के लिए आप अपनी राइट प्रोडक्शन कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, कि कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है क्या सूटेबल है आपके होलसेल बिजनेस के लिए। तो इसमें हम ये देखेंगे, इस एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक प्रोडक्ट है यहाँ पे सिंक स्ट्रेनर फॉस्टेड स्टेनलेस स्टील। तो ये प्रोडक्ट में सबसे पहले हम अपना एलिमेंट ये देखते हैं कि इसकी प्राइसिंग जो है वो मिनिमम $15 और इससे ज़्यादा की प्राइसिंग होती है, ठीक है। अगर आप इससे नीचे की प्राइसिंग पे आप सर्च करते हैं तो वो प्रोडक्ट इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता, क्योंकि उसमें आपकी FBA स्टोरेज फी और लैंडिंग शिपिंग कॉस्ट वगैरह आपकी आ जाती है। तो मिनिमम प्राइस पे हम देखते हैं ये अबव 15 और मोर देन $15 प्राइस पे है, ये प्रोडक्ट ओके है। देन हम अपना सेकंड एलिमेंट देखते हैं इसमें कि अमेज़ॉन इटसेल्फ इस पे यहाँ सेलर तो नहीं है। हमें अमेज़ॉन को भी देखना होता है कि अगर ये अमेज़ॉन इस पे सेल कर रहा है तो वो हम प्रोडक्ट को इग्नोर करते हैं। अगर वो आउट ऑफ स्टॉक होता है बार बार और कुछ टाइम बाद फिर आ जाता है, फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो हम कुछ टाइम में वो चीज़ को जो है कंसिडर कर लेते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट फ्रीक्वेंसी अगर उसकी ज़्यादा है, तो अगर आपने ये देखा कि वो काफ़ी टाइम के लिए आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो वो फिर हम उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन हम पहली प्रेफरेंस हमारी ये होती है कि उस पर अमेजोन इटसेल्फ को सेल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देन फिर हम इसमें तीसरा एलिमेंट क्या देखते हैं कि ब्रांड ओनर तो इसमें सेल नहीं कर रहा। अगर ब्रांड ओनर इसमें सेल कर रहा हो तो फिर भी हम उसको जो है कंसिडर नहीं करते, क्योंकि उसमें सिर्फ ब्रांड सेल कर रहा होगा। तो हमें ये देखना होता है कि और भी सेलर्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो इस ब्रांड को सेल कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। देन फिर हम देखते हैं मंथली इसके जो यूनिट्स हैं वो हम सेल्स इसमें चेक करते हैं कि डेली सेल्स कैसे आती हैं। तो डेली सेल्स बेसिकली उसमें आपको पता चलता है FBA टूल किट के थ्रू, जो कि आप उससे एस्टिमेट करते हैं कि नंबर ऑफ सेलर्स हमारे पास इस एग्जांपल में लाइक 4 सेलर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यूज्ड न्यू और यूज्ड सेल कर रहे हैं। तो हम उनमें देखते हैं कि वो इनकी टोटल सेल्स कितनी हो रही है थ्रू FBA टूल किट। तो उससे हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि अगर हम भी इसको मी टू सेल करते हैं तो हम इसमें कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो उसमें कितनी सेल्स आपको मिल सकती है, कितने ऑर्डर्स आप इसमें रिसीव कर सकते हैं, उस हिसाब से देन हम अपनी इन्वेंट्री वहाँ वेयर हाउस में भिजवाते हैं। तो ये तो आपके एलिमेंट्स हो जाते हैं चार। देन उसमें आप फिफ्थ एलिमेंट ये देखते हो कि आपके जितने भी ब्रांड और जो सप्लायर से जो आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप उनकी इंफॉर्मेशन सारी एक्सेल फाइल पे नोट डाउन कर लेते हैं। ये सब निकालने के बाद आप सारी चीज़ें इसमें आप नोट डाउन करते हैं, ठीक है, ताकि जो है आपको कल को कांटेक्ट करें तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो सोर्सेज की, कहाँ के सप्लायर्स हैं, किन से आपको कौन सी प्रोडक्ट है, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को आप उसको सर्च करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, उनकी FBA स्टोरेज फीस आप नोट डाउन करते हैं, जिस तरह मैंने लास्ट अपनी वीडियो में अपना आप लोगों को उसमें बताया कि आपने अपनी एक शीट मेंटेन करनी होती है जिसमें ये सारी चीज़ें आप उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जिस पे आप अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं थ्रू कीपा, थ्रू एक्सरे, जो कि हम हीलियम के एक्सरे के थ्रू इस पर पूरी इस पर सर्च करके हमें सेल्स के बारे में आइडिया हो जाता है। अच्छा, राइट साइड का आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि ये फनल ग्रू है जिसके थ्रू आप एक एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। एक्सटेंशन से आपको एक आइडिया हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट पेज पे बता देता है कि इधर कि ये एसएन आप सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये अभी बता रहे हैं कि हाँ ये आप सेल कर सकते हैं, एज सच आपको वो अप्रूवल के लिए जो है ये ऑथराइज होने की उस पर ज़रूरत आपने नहीं है, बस आपने इसका होलसेलर फाइंड आउट करना है और उससे जो है ये ऑर्डर्स ले लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें कंसिडर करनी होती हैं, ठीक है। इससे हवाले से कोई अगर किसी को क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। थैंक यू।